तो सबसे पहले मैं कुछ सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल तो मैं जो सवाल आ जाना, मेरी एक मेन चीज है। तो सबसे पहले बॉन्ड एरर एस्टिमेशन का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ना याद कर ले। अब ये फॉर्मूला है 2√ वी वाई, मतलब वेरिएंस के ऊपर जब हम अंडर रूट लगाएंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा बाउंड ऑफ एरर हो जाएगा। ग्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं, अभी बाद का फॉर्म लिखनी है, वेरिएंस को करना। मेरी स्क्रीन आ रही है? कोई मस्का तो रही? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, तो मैं वेरिएंस ये बता रहा था कि बाउंड ऑफ एरर जब हमें बोला जाएगा ना सवाल के अंदर, तो हमें वेरिएंस ऑफ वाई के ऊपर अंडर रूट और मल्टीप्लाई 2, लेकिन वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है तो वो मैं लिख रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ वाई का हमारा फॉर्मूला है एस स्क्वायर अपॉन एन, एन माइनस एन और कैपिटल एन। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला है। तो जो सवाल आएगा ना तुम्हारा, मैं सवाल पूरा नहीं लिख रहा कि किस किस्म के सवाल आएंगे या कोई भी सवाल मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट किस तरह करनी है, और फॉर्मूले में जो सवाल आएगा उसमें वैल्यू लिखी भी किस तरह आएगी। तो सवाल जैसे आएगा ना, तो तुम्हें सवाल के अंदर एन दिया गया होगा, कैपिटल एन, या फिर ये बोला जाएगा कि एक कंपनी है या कुछ भी बोला जाएगा, लेकिन बोला जाएगा कि टोटल जो हमारे इंडिविजुअल है ना, ये टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एन। तो टोटल हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। हमें एक एग्जाम्पल है हमारे नोट्स में, वो 4.4, तो उसका डेटा मैं यूज कर रहा हूँ। और अगर किसी को क्वेश्चन देखना हो तो वो बुक में देख सकता है, बुक की पीडीएफ मैंने भेजी हुई है, या सर के नोट्स होंगे किसी के पास। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे एम्प्लॉयज है ना टोटल, वो है 750, एक कंपनी है उसके 750 टोटल एम्प्लॉय है। और हम जो भी स्टडी कर रहे हैं ना, जो भी सर्वे है हमारा, वो एक सैंपल पे होता है, पूरे काम नहीं करते। तो वो सैंपल हमारा 50 का है, स्मॉल एन। ठीक है, उसके बाद हमें ये बोला जा रहा है कि सवाल के अंदर ही दिया जा रहा है कि वेरिएंस जो है ना वो है हमारा 2.25। वेरिएंस हमें दिया है, सब हमें दिया हुआ है। तो अब हमें बोला जाएगा बाउंड ऑफ एरर निकालो, तो बाउंड ऑफ एरर कौन नहीं निकाल सकता? तुमने ये देखो एस भी दे दिया, एन भी दे दिया, और तो कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में, तो तुम बाउंड ऑफ एरर निकालोगे। बाउंड ऑफ एरर है ये, अगर वेरिएंस बोला जाएगा ना तुम्हें तो सिर्फ तुम ये अंदर वाली चीज निकालोगे, लेकिन वेरिएंस नहीं बोला गया उस एग्जांपल में, बाउंड ऑफ एरर बोला गया। और ये जो कैपिटल एन है ना, ये टोटल पॉपुलेशन होती है। टोटल पॉपुलेशन का मतलब है कि जैसे हमारी कंपनी है उसके अंदर टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, या टोटल एक सिटी है उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, या कुछ भी है तो उसका टोटल। और जो स्मॉल एन है वो सैंपल होता है कि इतने लोगों से हमने सर्वे लिया, या इतने लोगों की हम स्टडी हुई है, ये टोटल में से तो स्मॉल एन। अब ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में डालते हैं,
अच्छा ये ना मैंने बॉन्ड ऑफ एरर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये वाला होता है ठीक है, और एक फॉर्मूला दूसरा होता है। तो ना इस एग्जांपल में वैसे बुक के अंदर तुम लोग को दूसरा फॉर्मूला नजर आएगा लिखा हुआ, तो दोनों फॉर्मूले में जरा सा फर्क है। वो फर्क इस तरह है कि फर्क मैं बताता हूँ किस तरह है। अभी जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बाउंड ऑफ एरर आ जाएगा ठीक है, लेकिन हम एक डिफरेंट लॉजिक होती है, वो ये होती है कि हमें टोटल निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन। अब ये जो एक एग्जांपल थी ना हमारी, इसके अंदर हमें बोला गया था कि हमने टोटल पॉपुलेशन के रेफरेंस से काम करना है। इसके रेफरेंस इधर ना अगर हमें बोला जाए कि सिंपल सिर्फ बाउंड ऑफ एरर निकालो और हमें ये तीन चीज़ें सिर्फ गिवेन हो तो हम बाउंड ऑफ एरर निकालेंगे, लेकिन अगर सवाल के अंदर ये लिखा हुआ आ गया कि टोटल पॉपुलेशन आतिफ, निकालो और फिर उसके ऊपर वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाओ तो आतिफ एक वो डिफरेंट होगा। तो अब मैं टोटल पॉपुलेशन बताता हूँ कैसे निकाल दें। तो आतिफ हाँ बोलो एक मिनट रुकोगे, और लोग भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो, शुरू तो समझाओगे क्या था, एक मिनट के लिए। बता देता हूँ। देखो ये तो मैंने बाउंड ऑफ एरर सवाल में बोला जाएगा कि बाउंड ऑफ एरर निकालो, ये सिंपल रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारी। तो तुमने क्या करना है, ये फॉर्मूला है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये याद कर लिया तुमने। ये जो डेटा है ना ये सवाल में गिवेन होगा, ये डेटा इस फॉर्मूले में डालना है, तुम्हारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल काम है न्यूमेरिकल ठीक है। ये अब डेटा में ना ये हो सकता है कि तुम्हें मेंशन नहीं किया गया हो कैपिटल एन और स्मॉल एन, ना ये एस स्क्वायर लिखा हुआ होगा। डेटा में लिखा होगा कि वेरियंस जो हमारा ये है और टोटल पॉपुलेशन हमारी ये है और सैंपल साइज ये है। जरूरी नहीं कि तुम्हें ये बिल्कुल एक चीज बताएंगे कि एस और एन क्या है, वो बस वर्डिंग में लिखा हुआ आ जाएगा कि हमारा टोटल इतना है, सैंपल इतना है और वेरियंस इतना है ठीक है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें डेविएशन दे दें, तुमने खुद वेरियंस उसको कन्वर्ट करना है तो वो स्क्वायर कर दोगे डेविएशन। अगर तुम्हें डेविएशन वर्डिंग में लिखी होगी कि डेविएशन ये है तो तुम स्क्वायर कर दोगे तो वो वेरियंस बन जाएगा। तो इस तरह वो घुमा सकते हैं सवाल में, ये फॉर्मूला याद होगा तो मसला नहीं है। अब एक और चीज आ सकती है सवाल में कि अभी मैंने बात करी कि अगर बाउंड ऑफ एरर से बोला जाए, से बाउंड ऑफ एरर का बोला जाए, लेकिन अगर सवाल में इस तरह आ जाए कि कैलकुलेट बाउंड ऑफ एरर को मैं स्मॉल फॉर्म में लिख रहा हूँ कि बाउंड ऑफ एरर यूजिंग यूजिंग टी ये लिखा हुआ आ जाए, यूजिंग टी लिखा हुआ आ जाए, या फिर यूजिंग द एस्टीमेट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, एस्टीमेट टोटल लिखा हुआ आ जाए, ये कुछ भी वर्डिंग इस तरह की आ जाएगी। तो तब तुमने क्या करना है, तुमने ना फॉर्मूला बदल देने। अब तुमने बाउंड ऑफ एरर के दो फॉर्मूले याद रखे, एक तो वो ऊपर वो जो बिल्कुल सिंपल है, अब जो दूसरा वाला है वो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, कि अगर एस्टीमेट टी वाला आ जाता है तो इसके अंदर क्या आएगा, बस यहाँ टी आ जाएगा, जैसे उधर वाई बार था ना, इधर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा और अंदर की वैल्यू जरा सी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा एन स्क्वायर फिर एस स्क्वायर अपॉन एन फिर एन माइनस एन अपॉन एन। देखो फर्क क्या है, ये वाला आखिरी टर्म सेम है, बीच के अंदर वाला ये भी सेम है, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, ये आ रहा है एन स्क्वायर आ जाएगा, फॉर्मूला पूरा सेम है, बस एन स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ऐड हो रहा है और वैल्यूज तक सेम होंगी, कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला ठीक है। जब सवाल के अंदर बोल दिया जाए ना एस्टीमेट टोटल, तो बाउंड ऑफ एरर का फॉर्मूले में तो जरा सा फर्क आएगा, लेकिन हमने टोटल भी निकालना है फॉर्मेलिटी के लिए। अब टोटल जो निकाला जाएगा ना वो इस तरीके से निकाला जाएगा, वो मैं बताता हूँ। देखो टोटल का जो फॉर्मूला होता है ना, टोटल इसको टी कैप कहते हैं, ये अगर बोल दिया जाए कि ये निकालो तो इसका होता है एन मल्टीप्लाई बाय बाय बार, मतलब मीन ठीक है। तो सवाल के अंदर ना तुम्हें फिर मीन भी देंगे, बाय बार देंगे या फिर लिखा होगा कि मीन। तो मैं एग्जाम्पल 4.4 को डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मीन गिवन था, टोटल एन जो था वो कैपिटल एन जो था 750 था और मीन जो था वो 10.31 था। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया ये, तो ये सिंपल है। आप समझ लो कि न्यूमेरिकल का जो स्टार्ट है ना हमारा वो यहीं से हुआ है, जो भी सर ने बोले थे हमें स्टार्ट में हमें सिर्फ बाउंड ऑफ एरर निकालना है,
अगर सिंपल बाउंड ऑफ एरर आ गया तो ये फॉर्मूला है, अगर बोल लिया जाए कि एस्टीमेट टी यूजिंग एस्टीमेट टी तो हमने बस एन स्क्वायर ऐड कर देना है उसके अंदर, मतलब चेंज अबव, या एन स्क्वायर नहीं है या एन स्क्वायर आ रहा है, ये चीज हो रही है। दूसरी चीज ये है कि तुम जब टी एस्टीमेट करोगे तुम्हें टी की वैल्यू भी निकाल के दिखानी होगी, और वो सिर्फ आएगी तुम्हें मीन गिवन होगा जब टी की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये हमारा पहला सवाल हो जाता है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। इसका कोई एग्जांपल क्वेश्चन है? सैंपल क्वेश्चन है, एग्जांपल 4.4 बुक के अंदर। 4.4 और ये बाउंड ऑफ एरर मतलब प्रूफ करना होता है लेफ्ट और राइट हैंड साइड। बस एक फॉर्मूला ये याद रखना और इस फॉर्मूले के जरिए तुमने कर दी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और सवाल करा रहा हूँ जो कि एग्जांपल का सवाल है। अब मैं एग्जांपल किसके करूँ कि एग्जांपल ना हमें कॉन्सेप्ट देती है, अगर हम डायरेक्ट सवालों पे आएंगे तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है, अब वो एग्जांपल के अंदर ना तुम्हें डेटा सा गिवन हुआ इस तरीके का, ये एग्जांपल नंबर में लिख देता हूँ अगर किसी को देखनी हो, 4.7 एग्जांपल है। तो यहाँ पे ना तुम्हें स्टूडेंट गिवेन है, अब स्टूडेंट किस तरह है, 1 से लेकर इस तरह करके ना 2, 3, 4, अब ये जो है ना एट द एंड जाएंगे 100 तक, ठीक है। 100 स्टूडेंट है लेकिन हम पूरा नहीं लिख रहे, ना पेपर में लिखा हुआ है पूरा इतना लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि दो कंडीशन है, अब ऊपर पूरी वर्डिंग है कि ना वो स्टूडेंट जॉब करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की कुछ वर्डिंग। तो अब एक एक्स और एक वाई है, तो यहाँ पे ना नंबरिंग डली हुई होगी इस तरह, 1, 0, 1 और 0, 1, 1, ये बुक के अंदर तुम्हें मिल जाएगा इस तरह करके ना, यहाँ पे लाइन से सौ तक की होंगी। अब हमने करना क्या है, हमने ना पहले सबमिशन वाई निकालना है कि वाई में 1 कितनी दफ़ा है, तो वाई में 1 जो है हमें ये भी गिवेन होगा सवाल, ये भी हमें मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा कि वाई जो है वो 15 दफ़ा है और एक्स जो है ना 1 वो हमारा है 65 टाइम्स। अब हमें ना बोला जाएगा कि सैंपल प्रोपोर्शन निकालो, सैंपल प्रोपोर्शन का मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब ये बोला जाएगा कि वाई की प्रोबेबिलिटी बताओ। तुम्हें सब गिवेन है, ये भी गिवेन है और टोटल हमारा 100 है, तो हम कहेंगे प्रोपोर्शन का इस तरीके रिप्रेजेंट कर दें। तो इधर ही सबमिशन है क्योंकि हमने सम करे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबमिशन वाई ओवर एन, प्रोपोर्शन आ गया 15/100। फिर हम दूसरे प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे सबमिशन एक्स ओवर एन, तो 65/100। तो ये दोनों में प्रोपोर्शन मिल गए, और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.65 आ गया। तो कितना सिंपल है प्रोपोर्शन निकालना, कुछ भी नहीं है, ये तो मैं टेबल गिवेन होगा, टेबल में नंबरिंग होगी, वर्डिंग बहुत लंबी मिलेगी लेकिन वर्डिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो वर्डिंग एक तरीके से ना यही है कि वाई वन का मतलब है जॉब करेगा या कुछ भी हो सकता है कंडीशन, इससे हमारा काम नहीं, हमारा काम है प्रोपोर्शन निकालना, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें बोला जाएगा कि बाउंड ऑफ एरर निकालो। अब बाउंड ऑफ एरर एक ऐसी चीज़ है कि इसका फॉर्मूले ना खत्म ही नहीं हो रहे, मैं खुद जब हैरान हूँ देख के एक ही चीज़ के इतने फॉर्मूले, लेकिन हमने जज करना है कि क्या पूछा जा रहा है। अभी जैसे मैंने स्टार्ट करा था तो उसके अंदर मैंने बोला था कि बाउंड ऑफ एरर का एक सिंपल फॉर्मूला है, उसके बाद अगर टी एस्टिमेट करने को बोला जाए टोटल जो होता है, तो पिछले पेज हमने करा है टी अगर आ गया तो हमने एन स्क्वायर लगा के बाउंड ऑफ एरर का यही फॉर्मूला है, अगर आपकी चेंजिंग आ गई। अरे एक बात बताओ, हाँ ये जो टी का तुमने फॉर्मूला लिखा है टी इक्वल टू एन वाई बार, तो ये जो वैल्यू आएगी ये लेफ्ट हैंड साइड पे 2√ के अंदर पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू की बात कर रहे हो? हाँ ये जिस पे उंगली रखी है इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे 2√ वी ए क्या है वी ब्रैकेट टी बार इसमें पुट नहीं, करेंगे नहीं, यार। देखो ये देखो ये जो है ना ये तो बाउंड ऑफ एरर का फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये मैंने टी का अलग फॉर्मूला लिखा है, टी का एक अलग फॉर्मूला है और ये मीन है, ये गिवन होगा तुम्हें, सही है वो बाउंड ऑफ एरर है, मैंने पुट नहीं करी वैल्यू, मैंने बोला टाइम जाए होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला है बस तुम लोग को याद रखना। फॉर्मूला क्या है, अगर सिंपल सिंपल बाउंड ऑफ एरर बोला जाएगा तो ये निकाल लेना है, इसकी सारी वैल्यूज गिवन होंगी सवाल में। अगर टी एस्टीमेट करने को बोला जाए
तो टी का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय वाई बार, वाई बार मीन को कहते हैं, तो टी हमने निकाल सही लिया, और टी का बाउंड ऑफ एरर क्या होगा, बस यही फॉर्मूला है, बस एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पहला सवाल था हमारा जो हमने अभी करा था। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। टी की वैल्यू निकाल के दिखानी है और बॉन्ड ऑफ एरर की वो फॉर्मूला यूज करके बॉन्ड ऑफ हाँ, एरर निकाल। अब दूसरे सवाल में ये होगा कि इस तरह डेटा गिवेन होगा, तुम्हें डेटा गिवेन होगा और तुमने ये भी गिवेन होगा, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तुम निकालोगे टोटल से डिवाइड करा के, ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब बॉन्ड ऑफ एरर का ना फॉर्मूला प्रोपोर्शन के केस में चेंज हो जाता है, तो प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला भी बॉन्ड ऑफ एरर का तुम लोग को याद करना पड़ेगा। प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूले में क्या होगा, पी और क्यू आएगा और नीचे आएगा एन माइनस वन और एन माइनस एन ओवर एन। अब पी और क्यू का मतलब क्या है, पी और क्यू का मतलब ये है, ये नहीं मतलब कि हम ना एक को पी बोल देंगे दूसरे को क्यू, ऐसा नहीं होगा। अगर ये पी है तो क्यू होगा 1 माइनस 15 मतलब 85, ठीक है। और अगर ये पी है मतलब हमने दो बार निकालना होगा क्योंकि दो डिफरेंट है ना हमारे, तो दो दो बाउंड ऑफ एरर निकलेंगे, ठीक है। तो एक मैं करके देख लेता हूँ, तो हम पहले वाले को टारगेट करते हैं, तो उधर 0.15 हो गया, दूसरा वाला 0.85 हो गया, क्यू जो होता है 1 माइनस होता है। अब जो एन है हमारा कैपिटल एन, वो इस एग्जाम्पल में था 300 और स्मॉल एन 100 था, जो भी सवाल में होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे, कैपिटल एन स्मॉल एन गिवेन होगा ये। और जब हमने 100 माइनस 1 करा तो हमारा 99 आ गया, इसको सब सॉल्व करोगे हमारा बॉन्ड ऑफ एरर आ गया। तो ये हमारे दो सवाल हो गए, मतलब तीन हो गए एक तरीके से, तीन डिफरेंट क्वेश्चन हो गए, तीन डिफरेंट फॉर्मूलाज, तीनों तीनों में से कोई भी एक आ सकता है यार, ये तीनों में से भाई इम्पोर्टेंट है। एक बात बताओ, ये इस वाले बॉन्ड ऑफ एरर के फॉर्मूले को और उस वाले बॉन्ड ऑफ एरर के फॉर्मूले को दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट नहीं करना है तुमने, डिफरेंट सारे याद करने, और जब भी तुम्हें बोला जाए कि प्रोपोर्शन निकालना है तो प्रोपोर्शन वाला ये फॉर्मूला है और टी अच्छा वाला सही फॉर्मूला इससे पहले था और उससे पहले वाला जो था वो सिंपल था, तो इस तरह तीन फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। अच्छा ये एक और बात बताओ, ये कैपिटल एन और स्मॉल एन को कैसे हम लोग करेंगे पहचानेंगे? ये गिवेन होगा, लिखा होगा टोटल एन, कैपिटल एन जो होता है ना, मैं लिख के बताया था यहाँ पे क्या है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है टोटल, लिखा होगा कि सही टोटल पॉपुलेशन, सवाल के अंदर लिखा होगा टोटल पॉपुलेशन, और एन जो होगा ना स्मॉलेस्ट सैंपल साइज होगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें एन और ये इस तरह रिप्रेजेंट करके पेपर में देंगे, तुम्हें ये देंगे टोटल पॉपुलेशन ये सैंपल साइज ये, ठीक यही पूछना है, चाह रहा और था। प्रोपोर्शन तुमने निकालना होगा होगा ये, ठीक है। तो ठीक है ये ठीक हमारे तीन सवाल हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन। अब आगे एक और बॉन्ड ऑफ एरर का फॉर्मूला है हमारा, यार आतिफ भाई, यार ये जो बॉन्ड ऑफ एरर के जो फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप करा रहे हैं यार, उनको आप एक स्पेसिफिक जगह पे लिख लें यार आप। यार मतलब ये समझाने के बाद तुम पिक्स शेयर कर देना ना, तो आसानी हो जाएगी फिर। यार आतिफ, यार ये बॉन्ड ऑफ एरर के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो बहुत ज्यादा है यार, वो जो वैसे यूज हो रहे हैं यार, वो एक स्पेसिफिक जगह पे लिख के सेंड कर दो, काफी इजी हो जाएगा। हाँ कर दूंगा मैं, ठीक। मीटिंग के बाद कर देगा वो। अच्छा अब एक सवाल मैं करा रहा हूँ जो है बुक का 4.9, इस सवाल के अंदर ना ये एक चीज है कि ना दो डिफरेंट सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस गिवेन है, और हमने ना दोनों का इकट्ठा निकाला
निकाल लें बॉन्ड ऑफ एरर। तो यहाँ पे सवाल में नहीं लिख रहा लेकिन जो डेटा है उसको मैं ऊपर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डियर लिखा हुआ है और रैबिट लिखा हुआ है, तो डियर का जो सैंपल मीन है वो 20.30 है और सैंपल वेरिएंस है 2.65 है। इसी तरह जो रैबिट है उसका है 4.52। अच्छा रैबिट के नीचे लिखना सैंपल मीन, और फिर अगर वेरिएंस लिखता हूँ मैं तो वो 0.9597। तो सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस हमें गिवेन है। इसके अलावा डेटा में जो जो गिवेन है वो मैं लिख रहा हूँ सवाल से देख के, सवाल अगर कोई भी देखेगा तो उसको मिल जाएगा। सिंपल मेंशन किया गया सवाल में किस तरीके से कि एन क्या है, कैपिटल एन क्या, कोई वर्डिंग का भी मसला नहीं है। तो कैपिटल एन सवाल के अंदर 10,000 है, उसके अलावा स्मॉल एन जो वो 500 है, ठीक है। और जो हमें मीन था वो हमने पहले लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे, तो उस मीन को हम लिख देते हैं। अब मीन जो है वो दो एन है, एक वन लिख देते हैं, मीन वन और एक मीन टू। मीन टू जो है हमारा 4.52 है, और इसी तरह वेरियंस है वो भी हमारे दो हैं। तो ये सिंपल मैं डेटा लिख रहा हूँ, ये कोई भी सवाल पड़ेगा तो उसको डेटा मिल जाएगा। ये 4.9 बुक का सर ने मार्क करवाया था, करने को दिया था। तो इसके अंदर हमने बॉन्ड ऑफ एरर का फॉर्मूला निकालना है। तो अब यहाँ पे हमने करना ये कि बॉन्ड ऑफ एरर ना दो निकलेंगे, क्योंकि एक डियर है और एक रैबिट है, तो दोनों के अलग अलग डेटा है। तो हम सबसे पहले एक का निकालते हैं, अब ये जो सारा डेटा है ये यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट यूज होगा, तो अब ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ ये डिफरेंट तो नहीं है, खैर वो पिछला वाला ही होगा मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। ये यही वाला है, पिछला वाला ही सिंपल बाउंड ऑफ एरर वाला, सिंपल बाउंड ऑफ एरर वाला है जो सबसे पहले हमने करा था ना, अब पहला सवाल जो था ये वही वाला है इसमें, क्योंकि ना टी बोला गया ना प्रोपोर्शन बोला गया। तो हम बाउंड ऑफ एरर सिंपल निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑफ एरर जो हमारा पहला आएगा ना वो ये आएगा, ठीक है। ये पहला वाला फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं, तीन शुरू के फॉर्मूले मैंने बता दिए बॉन्ड ऑफ एरर के, वही करने, कोई नया फॉर्मूला नहीं आया। अब हम दूसरे का निकालेंगे, दूसरे का सेम ये होगा पर डेटा चेंज हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दूसरे का जो हम कर रहे हैं, फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तुम देखना सारे यही। तो हमने ना दोनों निकाल लिए, एक ये निकाल लिया, ये निकाल लिया बॉन्ड ऑफ एरर। अब हमने ना ज्वाइंट निकालना है दोनों का, हमें सवाल में बोला गया था कि दोनों का एक अट्ठा निकालना है, लेकिन एक अट्ठा हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पहले अलग अलग निकाला, अब एक अट्ठा की तरफ आ जाते हैं। तो एक अट्ठा जो निकाला जाएगा ना उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला जो है ना हमारा इस तरह से है, बाय वन बाई टू, मतलब बाय वन बाय टू मतलब मीन जो हमें गिवन था, और प्लस माइनस टू। अब ये एक नया फॉर्मूला, ये याद रखने के, जब भी कोई भी दो चीज़ें दी जाएँ, चाहे वो कोई भी दो जानवर हो, कुछ भी हो, उसको हमने जब ज्वाइंट हम निकालेंगे बॉन्ड ऑफ एरर,
तो इस तरीके से एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये याद रख ले। अब इस फॉर्मूले के अंदर ना वैल्यू हमने डालनी है, वी वन और वी टू की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ना इस तरीके से नहीं आएगी, हमने दोबारा फॉर्मूला पूरा डालना होगा वेरियंस का जो होता है। तो ये मीन तो दोनों हमें गिवन थे, ये दोनों मीन हम लिख देते। ये मीन लिख दिए, अब हमारे पास मर्जी है कि हम जो पहले काम कर चुके हैं वही दोबारा कर लें, ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी दो वैल्यूज आई थी ना पीछे, एक हमारी आई थी पॉइंट जीरो जीरो सेवन जीरो सेवन और एक आई थी हमारी पॉइंट जीरो एट सिक्स, इस तरह की आई थी। तो जब हमने इन दोनों को करा ना माइनस इन दोनों को, तो ये आया पॉइंट टू टू माइनस का और प्लस माइनस यहाँ पे आएगा जीरो पॉइंट वन। तो बस ये हमारा आंसर एक तरीके। तो ये सवाल ही हो गया, सवाल ही मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पे ना दोनों वेरियंस जो है ना वो जॉइंट जो हम करते हैं तो दोनों का मीन माइनस कराते हैं और फिर दोनों का जो वेरियंस हमने पहले निकाला है उन्हीं को हम ऐड करा देते। एक मिनट पीछे पेज करो, अब एक और सवाल के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारी बुक का है 4.14। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये पीछे करो एक मिनट पेज, आवाज कट रही है मेरी, सही आ रही है? देख पे पीछे करो। ये देखो सवाल के अंदर तुम्हें ना दो जानवर दिए गए, उन दोनों का सैंपल मीन दे दिया गया और सैंपल वेरिएंस दोनों का दे दिया गया, और ये सारा डेटा सवाल पढ़ोगे मिल जाएगा। सवाल नंबर भी मैंने बता दिया 4.9 है, तो बिल्कुल सिंपल डेटा गिवन है। तुमने ना क्या करना है, ये फॉर्मूला जो हमने पहले सवाल में अप्लाई करा था वेरियंस का, बॉन्ड ऑफ एरर का, बॉन्ड ऑफ एरर का फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑफ एरर हमने पहले एक जानवर का निकाला, फिर दूसरे जानवर का निकाला, दोनों का ये आ गया। फिर हम जो जॉइंट इन दोनों का निकालेंगे ना आगे, तो वहाँ पे करेंगे दोनों का मीन माइनस कराएंगे और वो जो हमने वेरियंस निकाले बॉन्ड ऑफ एरर निकाले थे दोनों को ऐड करा देंगे, तो एट द एंड हमारा सॉल्व हो गया। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, कुछ भी अब तक ऐसा नहीं है कि समझ ना रहा हो, बस फॉर्मूला जिसको याद है वो कर सकता है यूज़। अब हम एक और न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, वो 4.14 है। इसके अंदर मैं सवाल नहीं पढ़ा, टाइम सेव करने के लिए डेटा जो है वो कोई भी पढ़ेगा उसको मिल जाएंगी वैल्यूज। एन जो है हमारा स्मॉल 50 है, कैपिटल एन जो है हमारा 250 है और वाई बार जो है हमारा 20 है। हमें बोला गया कि प्रोपोर्शन निकाला जाए इस सवाल में, तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो मीन होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल सैम्पल साइज से। तो हमने प्रोपोर्शन निकाला तो क्या गया 0.4। अब ये प्रोपोर्शन जो होता है प्रोबेबिलिटी कहलाता है, तो हमारा क्यू आ जाएगा 1 माइनस करके, तो वो हो गया 0.6। तो उसके बाद हमें बोला जाएगा कि टोटल भी निकालना है इसी सवाल में, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है NP, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया टोटल का, पहले हमने करा था N बाय बार। तो ये भी याद रखना कि टोटल के दो फॉर्मूले होते हैं, ये वाला भी होता है, प्रोपोर्शन से भी टोटल आ जाता है और वाई बार से भी आ जाते हैं। तो हमने हमने मल्टीप्लाई करा है प्रोपोर्शन था 0.4 और जो हमारा कैपिटल रहेंगे 250, उसके बाद हमारा 100 आ गया टोटल। उसके बाद हमें बोला गया कि वेरिएंस निकालने के लिए निकालने का ना फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो रहा है थोड़ा। अब वेरिएंस यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोपोर्शन वाली कहानी आ रही है। अब प्रोपोर्शन वाली कहानी तुम्हें याद है ना जो हमने पहले करी थी, ये वही वाली है, मतलब बॉन्ड ऑफ एरर का जो फॉर्मूला है ना सेम वही फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑफ एरर में क्या होता है, बस रूट लगता है और बाहर 2 आ जाता है, तो सेम वही एन स्क्वायर और पी क्यू जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है सेम वही फॉर्मूला है। अब ये सारी वैल्यू जो हमें मिली थी सवाल में वो हमने सब्सटीट्यूट करनी है, तो सब्सटीट्यूट भी मैं कर देता हूँ। एन की जो वैल्यू थी हमारी 250 थी कैपिटल एन की, तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा और जो टी था वो हमारा 0.4 था, क्यू था 0.6 और एन जो था हमारा कैपिटल वो 250 था, स्मॉल एन जो था वो हमारा 100 था वो 50 था,
और हम अगर डिवाइड की बात करें तो 50 माइनस 149, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 250। तो जब इसको कैलकुलेटर में डालोगे तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिलेगा 9.79। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। बस क्या इधर तुम्हें प्रोपोर्शन निकालना है, ये डेटा गिवन है, प्रोपोर्शन निकाल लिया, तो क्यू भी निकाल लिया, फिर टोटल निकाल लिया। टोटल के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला जो हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूला वो ये था एन इज इक्वल टू वाई बार। वाई बार जो होता है हमारा मीन होता है, सवाल में मीन गिवन होता है, तब हम टोटल ऐसे निकालते हैं। जब प्रोपोर्शन होता है तो हम टोटल ऐसे निकाल लेते हैं, तो हमें मसला नहीं। अब वेरियंस का जो फॉर्मूला है ये वाला, ये वही चीज़ है, मैं पीछे जाके दिखाता हूँ। एन स्क्वायर फिर वाई, तो पीछे हम कर चुके हैं। ये देखो, ये बल्कि सिंपल है, बस देखो फर्क क्या आ रहा है। ये वाला था ना हमारा फॉर्मूला ये, लेकिन एन स्क्वायर नहीं था इसमें, तो इधर बस चेंज हो रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा चेंज है बस, सेम वही, बस यहाँ एन स्क्वायर आ जाएगा वेरियंस अगर हम अलग से निकाल। और उसकी वजह भी कि यहाँ एन स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ये टोटल का जो फार्मूला है यहाँ पे एन वेरियंस का, तो समझो वही है, बस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। टोटल का ये जो फार्मूला है आते कहते हैं यहाँ पे एन पी यूज हुआ है, लेकिन मीन तो हमें यहाँ पे भी गिवन है वाई बार। मीन यहाँ आई नहीं ना, ये तो मैं वैसे ही बता रहा था कि अगर मीन गिवन हो तब हम यूज कर सकते। यहाँ प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन की मदद से हम टी निकाल। y बार 20 लिखा हुआ है डेटा में। ठीक है, अब हम अपने आखिरी सवाल पे आ जाएं, तो हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। मैं ये बोल रहा हूं कि तुमने डेटा में y बार 20 लिखा ना, ये मीन ही है ना? हाँ वो मीन y बार कहां पे लिखा हुआ है डेटा में? देखो 4.14 गया। अच्छा, तुम 4.1 रुक से बोलोगे, 4.14 बोल लो ना, इसमें मीन तो गिवन है, फिर कहां गिवन? 4 ही बोल, तुमने y बार लिखा हुआ ना कैपिटल एन के नीचे, कहां लिखा हुआ है n50 है कैपिटल एन 250 है डेटा में बोलना, उसके बाद तुमने y बार 20 लिखा है। 4.14 के नीचे देखो तीन जो तुमने लिखे ना, स्मॉल n, कैपिटल n, उसके बाद y बार। अच्छा देखता हूं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें मीन तो गिवन है, फिर हम प्रोपोर्शन से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। सही है। अच्छा नहीं यार, ये पता है क्या हुआ, ये मैंने गलती से लिखी, ये कुछ और था, ये वाई बार नहीं है, ये पता है क्या है, ये सबमिशन वाई बार सबमिशन। ठीक है, सवाल के अंदर ये लिखा हुआ था कि मतलब जो भी चीज़, जो भी इवेंट हो रहा था ना, वो इवेंट मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में लिखा था कि वो 20 दफा हुआ है, तो सबमिशन होगा, ये सबमिशन वाई है, वाई बार नहीं। ठीक है, ये सबमिशन वाई। सही, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम हैं 4.30 पे, क्योंकि हमारा आखिरी सवाल। अच्छा, बीच बीच में से मैंने कुछ सवाल छुड़वा दिए, लेकिन फॉर्मूला सब में सेम है, तो वो मैं बार बार रिपीट नहीं करवा रहा टाइम बचाने के लिए। जो डिफरेंट सवाल आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जिसमें सेम फॉर्मूला लग रहा है वो मैं बार बार नहीं करा रहा। तो फॉर्मूला बस याद रखना और लॉजिक समझनी तो हो जाएगा। तो मैं हूँ 4.30 पे, यहाँ पे तुम्हें डेटा में क्या कहते हैं, वाई बार गिवेन, वो सबमिशन वाई गिवेन। ठीक है, वो है हमारा ये। इसके अलावा तुम्हें ये एन जो है वो 20 गिवेन, ठीक है, और कैपिटल एन जो है तुम्हें 500 गिवेन, ये सब गिवेन है। इसके अलावा अब हमने करना क्या है, वाई बार जो है ना हमारा, इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन वाई अपॉन एन स्मॉल एन। तो सबमिशन वाई हमारा ये एन 20 है, तो हमारा आ गया वाई बार 197, वाई बार आ गया। आप टोटल का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था एन मल्टीप्लाई बाय वाई बार, तो एन जो है हमारा वो 500 था, और वाई बार जो हमारा आ गया 197। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो 98550 आ गया। अब उसके बाद बाउंड ऑफ एरर निकालना है, जो कि हमसे बोला गया था मेन इस सवाल में।
तो बॉन्ड ऑफ एरर जो आएगा हमारा उसका फॉर्मूला यहाँ पे चेंज है, तो ये आखिरी बॉन्ड ऑफ एरर का फॉर्मूला है। तकरीबन तुम लोगों ने तीन फॉर्मूले पहले देखे थे, ये चौथा फॉर्मूला है, तो ये आखिरी फॉर्मूला है हमारा बॉन्ड ऑफ एरर का, उसके बाद कोई फॉर्मूला नया नहीं है। सवाल के हिसाब से रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे बॉन्ड ऑफ एरर के फॉर्मूले के? ठीक यार रट्टे लगाने पड़ेंगे फॉर्मूले के, और प्रैक्टिस करो इन्हीं सवाल आती तो तुम्हारा निकल जाएगा। बाकी वो सवाल